नमस्कार, सादा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अरुणवा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की भोपाल से खबर, जहां सीधी पेशाब कांड के बाद मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मुद्दे पर सियासत जारी है। सड़क के बाद आज सदन में भी विपक्ष ने इसको लेकर जमकर हंगामा किया। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा कराने की मांग की। विपक्ष स्थगन लाकर चर्चा करना चाहता था, लेकिन मांग नहीं माने जाने से नाराज कांग्रेस नेताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आसंदी के पास जमा होकर नारेबाजी की गई, जिसके चलते दो बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हंगामा इतना बड़ा था कि विधानसभा की कार्यवाही को बुधवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कमलनाथ ने विधानसभा में सीधी पेशाब कांड को शर्मनाक बताया, तो वहीं संसदीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेक रही है। जब कार्रवाई की जा चुकी है, तो फिर क्यों सदन को बाधित किया जा रहा है? ऐसी बड़ी घटना जी, जिसने मध्य प्रदेश का नाम जी पूरे देश में कलंकित हुआ, आज आदिवासी समाज पर जो अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसको दबाने के लिए हमने चर्चा की मांग करी थी जी। हमने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, स्वीकार करने को तैयार नहीं जी। कोई और उपाय देने को तैयार नहीं कि किस कैसे चर्चा होगी। ये दबाने और छिपाने की राजनीति हर चीज में, हर विभाग में। पर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे आदिवासी भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, जनजाति अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार हो रहा है, ये पूरे देश भर में सबसे अधिक है। हम केवल इसमें चर्चा चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार इसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेती, क्योंकि जब तक उनके उच्च नेतृत्व का सहानुभूति इस पर रहेगी, इस अत्याचार पर, ये चर्चा नहीं करेगी। सीधी के वीडियो को आगे बढ़ाया, सुप्री में जब मल भर दिया था मुंह में, उसमें नहीं उठा रही है, उस विषय में नहीं बोल रहे। वह शुक्ला था या शकील था, बस इतना सा अंतर है इन दोनों में। आप देखिए इन दोनों की मनस्थिति कैसी है और कांग्रेस की कुचित मानसिकता कैसी है कि शुक्ला को ले लिया, शकील पे बात नहीं कर रहे, जबकि वो पेशाब है या मल मुंह में भरा है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। हर विषय पे चर्चा को हम तैयार हैं। चर्चा के लिए आप आइए तो तरीके से। आप राष्ट्रगान नहीं होने देते हो, राष्ट्रगीत नहीं होने देते हो, आप संवेदनाएं व्यक्त नहीं करने देते हो। मैं निंदा करता हूं इस बात की, जिस तरह से उनने राष्ट्रगीत का अपमान किया है। ये धमकियों में आने वाले हम नहीं है, ये सदन का उपयोग करिए आप। मैंने कल भी कहा था, आप हो हल्ला मत करो, फ्लोर पे चर्चा करो, आप विषय लाओ, तरीके से आओ। तुष्टीकरण की राजनीति, सदन का उपयोग आप राजनीति चमकाने के लिए मत करो। ये फ्लोर जनित के मुद्दे उठाने को मिला है। मध्य प्रदेश के अंदर कई हिस्सों में बाढ़ आ रही है, कई हिस्सों में अतिवृष्टि हो गई, लेकिन कांग्रेस इस पर चर्चा नहीं चाहती। वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। जनजाति भाई जानते हैं कि इनने किस तरह से जनजाति भाइयों का, आदिवासी भाइयों का अपमान किया है। मानने मैंने सर्वदलीय बैठक में भी चर्चा की थी, कल जो माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाई थी, आज कार्य मंत्रणा समिति में पूरी चर्चा की। हमने कहा तीन मुद्दे जो मध्य प्रदेश के लिए कलंकित करने का काम करते हैं, इन तीन मुद्दों में हमारा था। सबसे पहले सीधी में जो हमारे दसमत आदिवासी भाई के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष विधायक श्री शुक्ला के विधायक प्रतिनिधि सरेआम प्रदेश और विश्व देश को कलंकित किया है, उसके मुंह पे पेशाब करके उसके घटना का स्थगन प्रस्ताव मैंने और मेरे साथियों ने रखा है। मैं उस पर चाहता था सदन की कार्रवाई रोक के उस पर चर्चा कराई जाए। कार्य मंत्रालय समिति में मुद्दा उठाया, तब कहा कि सदन का मामला है, सदन में उठाया तो सरकार भय के कारण भयभीत है। मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो प्रदेश की 8 करोड़ जनता, देश की जनता के सामने आ जाएगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी जनजाति समाज का अगर किसी व्यक्ति का अपमान हुआ है, तो जितनी बड़ी कार्रवाई माननीय स्वराज जी की सरकार ने की है, उतनी बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं हुई। कांग्रेस तो जनजाति की बात करती है, कांग्रेस में सबसे ज़्यादा अपमान अगर किसी का होता है तो जनजाति समाज के नेताओं का सबसे ज़्यादा अपमान कांग्रेस के अंदर होता है, चाहे वो स्वर्गीय जमुना देवी जी हों,
चाहे बाकी जनजाति समाज के लोग हों, हमेशा अपमान करने का काम किया। 50 साल तक जनजाति का वोट लेते रहे पर मुख्यमंत्री कभी जनजाति का नहीं बनाया, मुख्यमंत्री को कभी अवसर नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने देश के सर्वोच्च पद पर जो महामहिम राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो हमारे जनजाति समाज के महापुरुष हैं उन महापुरुषों का सम्मान करने का काम, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय हो, चाहे राज्य स्तर पर मनाने का निर्णय हो, चाहे हमारे स्वर्गीय रानी कमलापति के नाम से स्टेशन का नाम हो। सर, चर्चा कराने में क्या दिक्कत है? चर्चा किस बात की करें, वो क्या चाहते, कौन सी कार्रवाई ऐसी है जो नहीं हुई और वो चाहते हैं, तब तो चर्चा हो। अब जिस चीज़ पर सारी कार्रवाई हो चुकी है तो उस पर चर्चा किस बात की करेंगे, वो चर्चा थोड़ी चाहते, वो राजनीति करना चाहते।